ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੁਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜੱਟ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ कस्टोडियन के जो भी ऑफिसर जो भी मुलाजम किसी सारे केस में मुलाजम है उनको सजा हो उनको फांसी होनी चाहिए। उन्होंने एक बंदा मारा है, एक बंदा उन्होंने मार दिया है ये जबरदस्ती करके। जितने भी अफसर हैं जो भी है कस्टोडियन के उनको भी सजा दो। कस्टोडियन डिपार्टमेंट कस्टोडियन डिपार्टमेंट। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा निवासी लोअर मस्तगढ़ जम्मू। यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एक बड़ी दुखद घटना हुई है। वो हमारे एक पड़ोसी हैं तो शायद शॉक की वजह से या बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से परेशानी होने की वजह से तो उनका हृदयाघात हुआ और उसके बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो मैं इसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं मानता, ये एक कत्ल है। ठीक है। और ये कत्ल एक यहाँ पर एक पड़ोसन है, इनकी छोटी इनका क्या है। इनका नाम क्या था? हाँ, इनका नाम सुदर्शन, इनका नाम जो है वो मखनलाल जी था जी। ठीक है। तो ये गत 50 सालों से ज्यादा से यहाँ पे रह रहे हैं, साल से रह रहे हैं। ये मकान जो है वो इनके फादर साहब के नाम पर था। ये 3-4-5 भाई हैं तो बाकी भाई जो है वो आगे पीछे चले गए हैं, लेकिन दो भाई यहाँ पे रहते हैं। दो भाई वो नाम है, एक का जो नाम है वो राजकुमार है, वो ये यानी ईस्ट वार्ड रहते हैं। और ये जो कमरा जो बिल्कुल मेरे आगे है यहाँ पे मखनलाल जी रहते थे। तो ये जो राजकुमार जी हैं इनकी जो मिसेज है उसका नाम है कुसुम। इट इज आपने कोई पुलिस के साथ कोई बात हुई आपकी? FIR लगवा रहे हैं, मल्ले की तरफ से FIR भी लगवा रहे हैं। वो जो कुसुम है उसके नाजायज तालुकात हैं मुनीश चड्डा नाम के एक यहाँ के लोकल गून से, और वो पिछले कई सालों से 10 साल से ज़्यादा से इसी को परेशान कर रहा था मखनलाल जी को। और ये भी सुना गया कि वो इनको ये धमकाता रहा कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसके परिणाम में वो इतना डरा हुआ था, इतना ज़्यादा आतंकित था कि वो किसी से बात भी नहीं करता था। और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसने इनके जो घर के आगे जो जगह ये देख रहे हैं आप दीवार गिरी है, ये आप मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं ये मीडिया वाले दिखाएं इसको कि उसकी दीवार उसकी खिड़की उसका आधा दरवाजा बंद करवा दिया। और इट वाज डन विद द कन्वीनियंस ऑफ कस्टोडियन डिपार्टमेंट। कस्टोडियन डिपार्टमेंट बिल्कुल साथ मिला हुआ है, वो अफसर मिले हुए हैं, उन्होंने दीवार चढ़ा के दरवाजा बंद करवा दिया। कल वो डेड बॉडी इधर अंदर नहीं ला सके, वो अभी पार्क में रखी है। वो वहाँ पे एक शेड बना है, वहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है। और ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है ये इसमें इस कत्ल में बराबर का शरीक है, ये उनकी मर्जी से उनके साथ मिलकर के कत्ल हुआ है। मेरा नाम पूजा है, मैं इंदी पड़ोसन रहनी हूँ, भरा बनाए दा इन्हें जो मक्खन लाल इंदी जरा मकान खा पूरा दरवाजा बारी बंद कर दीती थी। मक्खन लाल जबरदस्ती कर दीती तब क्या दिंदा खा मक्खन नू तेनू मैं मार देंगा। मक्खन लाल डर दा, एक दिन मक्खन भैया ने मैनू बोलिया कि भरजाई मैनू तुम क्या दिंदा, 3 दिन हो मेरे सामने रोया। कल मैं कस्टोडियन दफ्तर लेके मक्खन लाल भैया नू गई हाँ, कस्टोडियन वाले बोलते बंदे 5 बजे तक सब इंस्पैक्टर पुजनगे, 3 बजे पुजन। अज तक सब इंस्पैक्टर कोई कस्टोडियन दफ्तर का कोई एक्शन नहीं लेते। कल भी आए थे पिछले पूरा दीवार और पूरा कमरा गया था। कल डेड बॉडी निकालते हुए वूमेन से मैंने खुद इनकी दीवारें तोड़ी हैं जब डेड बॉडी नहीं निकल रही थी। कस्टोडियन दफ्तर के मखण गया ना, कस्टोडियन तब भी इन्होंने एक्शन ले लिया। कल मक्खन लाल मेरे साथ गया था, हमें चड्डा मिला रास्ते में, मुस्कुराता हुआ मिला, फिर बाद में चड्डा गया। चड्डा को कस्टोडियन वालों ने फोन किया, तूने काम किसका लगाया, कहता मैं पैपे डाल रहा हूँ। उसने हमारे उसके बाद क्या काम किया, वो बंदा इधर बैठा हुआ था उसको इतना प्रेशर डाला हुआ था, तेरे को मार दूंगा, उसकी यहाँ पर ही डाल दूंगा। कस्टोडियन डिपार्टमेंट, 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 इधर ऊपर पीछे तक लोग मारे अंदर। वीडियो दे दो,
ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਾ ਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਉਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਦੁਆਰ ਚੜਦੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਾ ਦੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਆਦੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਏ ਹਾਏ 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 ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਏ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਧਰ ਇਸਕੋ ਇਹ ਘਰ ਮੇ ਰਹਤਾ ਥਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਮਰਾ ਇਸਕੋ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਮੇ ਇਹ ਥਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਤੀ ਥੀ ਇਸਕੀ ਭਾਬੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਥਾ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਕੋ ਉਧਰ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ 17 ਸਾਲ ਸੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਇਸਕੋ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਇਧਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਮਤ ਰਹਿ ਇਧਰ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਛੱਤ ਜੋ ਇਸਕਾ ਕੱਚਾ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ वो उसको छत जैसे बना के दिया फिर भी उसको थड्डे देने लगा हम तेरे को मार देंगे कुछ कर देंगे ये कस्टोडी वालों के पास भी आया मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं आप आओ आके इधर से इधर आके सारा देखो मोइना देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इन कस्टोडी वालों ने शाम तक वो वहां तक कोई एक्शन नहीं लिया कुछ नहीं बोले हो सकता है इन्होंने पैसा खाया हो इन्होंने उसकी कोई पूछ पड़ताल नहीं की इसलिए उसने इसी दहशत से रात को पता नहीं उसको उनके रिश्तेदारों ने मारा है या क्या किया कोई पता नहीं हमने डेड देखा उसको कल आया तो आज डेड बॉडी पड़ी है लड़के और कहां का रहने वाला है मक्खन लाल है मक्खन लाल मस्तगढ़ में रहता है वो काम क्या करता है धूप अगरबत्ती बेचता है मेटा हर मेटा डोर स्टैंड में और एक एक रुपए कमाता और एक एक रुपए के साथ वो कमाता है उसके घर वाली किसी के घर में खाना बनाती है एक घर में खाना बनाती है और अपने बच्चों को पालती है छोटे छोटे उसके बच्चे हैं दो अभी और रिश्तेदार जो आते थे अगर रिश्तेदार उनको पूछने के लिए आते थे उनको थ्रेडे देता था हम तेरे बेटे को मरवा देंगे हम जी आप इनसे बात करो ये इनके रिश्तेदार हैं आप बात करिए हमें दिया मेरे पापा को दिया मेरे भाई को मरवाया दो बार इनका एक्सीडेंट करवाया हम तंग आके पीछे हट जाते हैं हमने बोला था मकान ही छोड़ दो चाचा आप निकल जाओ बाहर दे दो गंद को मकान छोड़ दो इनको माई डिमांड है यही उनको इंसाफ दो जो आप थ्रेड देते थे उनका नाम क्या है मुनीश चड्डा तो जब ये पूरा मसला हुआ आपने उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की किससे क्या उच्च अधिकारी आप यहाँ पे खड़े हैं यहाँ की आई क्यों नहीं छोड़ने वाला पता कोई आई नहीं कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है उसका काम ही यही है गुंडागर्दी करना बस नहीं निकलता कोई बाहर के बैठ गया उसने घूस खाई होगी ना तभी अंदर बैठा हुआ है अगर वो इंसाफ होता अच्छा खुद अगर उसमें सच्चाई होती तो वो सामने आता वो सामने क्यों नहीं आया क्यों अब छुप के बैठा हुआ है आए ना हमारे सभी पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रहा वो इंसिडेंट ऐसा है जी मेरे वार्ड मस्तगढ़ में एक मक्खन लाल जो है रहता था और बड़ा पेशे से बड़ा गरीब था अगरबत्ती बेचता था उससे ही अपना परिवार का खर्चा चलाता था तो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी थी जिस मकान में रहता था और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी क्योंकि इसका ब्रदर था सामने जो कमरा इसके ब्रदर का था लेकिन ब्रदर की जो मतलब वाइफ है वो उसने अपने घर वाले को भगा दिया था किसी और जो मुनी चड्डा है उसके साथ रहती थी इलीगल रिलेशन थे उनके उनके साथ तो उनके साथ मिलके मक्खन लाल की मैक्सिमम जो जगह थी वो उसने कैप्चर कर ली हुई थी ये उसको मेंटल प्रेशर था बार बार मेरे से भी कई बार जिक्र हुआ था उसका तो उसका सबसे बड़ी समस्या थी लेंटर नहीं डलता था लेंटर उसका मकान टूटा हुआ था मैंने अभी पिछले हफ्ते उसको लेंटर डलवा के दिया तो कल मेरे साथ वो सुबह मिलके यहाँ कस्टोडियन के पास आया था हम सुबह मिले हैं कस्टोडियन सर के पास और इन्होंने अश्योर किया था कि आज सुबह हम आएंगे और फ्रेश डिमार्केशन करेंगे जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ उसको हम ठीक करेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो शाम को जब घर जाता है तो उसकी डेथ हो गई है ये हमारे लिए बड़ा दुख का समय है तो आज हम जिस हिसाब से जो मिले हैं उसमें आश्वस्त किया गया है कि उसकी जो FIR रजिस्टर्ड होगी जो कल्प्रिट्स होंगे उनके ऊपर एक्शन होगा और जो इमीडिएट कंपनसेशन है उन्होंने हमें बोला है कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दो तो हम जो हमारे पास कंपनसेशन होगी वो हम अलॉट करेंगे।